व्यूअर्स वेलकम टू फिटनेस विद अर्शद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में बड़ी ही ज़बरदस्त आपको चीज़ बता रहा हूँ। ये जो माजूने रेगमा ही है, इसको बनाने का मैं तकरीबन पिछले 3 साल से आपको बता भी चुका हूँ। आप भी बड़ा वेट कर रहे थे, मेरा भी बड़ा इसमें वेट था कि यार मेरे पास वसाइल हों तो मैं इस माजून को लॉन्च कर सकूँ। भाई बहुत ज़्यादा पूछते थे, तो आज अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया है कि माजूने रेगमा ही का सामान मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये जो सामान आपको नज़र आ रहा है, ये इसका 20% सामान है। इसमें तकरीबन 100% अगर आप समझें, यानी कि 100 जड़ी बूटियां हैं, तो ये उसमें से 25 या 25 से भी कम होंगी। सिर्फ दिखाने का मकसद ये है, एक तो जगह नहीं है यहाँ पे, दूसरा इसमें एक एक चीज़ जो है वो बर्तनों में डालनी पड़ती है। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि जो कस्टमर हैं मेरे, जो परचेज़ करना चाहते हैं, उन तक बात पहुँच जाए, वो मुझसे रब्ता कर लें। अच्छा, ये माजूने रेगमा ही है। माजूने रेगमा ही में डेफिनेटली रेगमा ही तो होगी, ये देखें, क्योंकि इसका नाम ही रेगमा ही है। इसमें अखरोट जाएंगे, साथ में शहद जाएगा, कस्तूरी जाएगी, अंबर जाएगा, ज़ाफ़रान जाएगा। ज़ाफ़रान आपके सामने मैंने ईरानी अरेंज किया है, ईरान से मंगवाया है। ज्यारतों पे लोग गए थे तो उनसे मैंने भाई हैं, उनसे मैंने मंगवाया है, उनकी बड़ी मेहरबानी। मस्तगी रूमी है, सुच्चे मोती हैं, जुंद बेदस्तर है। ये जो वो चीज़ें हैं जो इस चीज़ को महंगा करती हैं, बहुत ज़्यादा अप हो गए हैं रेट्स इनके। आम जो सादी सी जड़ी बूटियाँ हैं वो भी बहुत महंगी हैं, लेकिन ये जो चौंचलों वाली जड़ी बूटियाँ हैं जो महंगी हैं, ये तो आसमानों को छू रही हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ बनाना सिर्फ मकसद नहीं होता, आला दर्जे की आला क्वालिटी की चीज़ बनाना मकसद होता है। अच्छा, इसमें आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि माजूने रेगमा ही और लबूबे कबीर में डिफरेंस क्या है। लबूबे कबीर जो है वो मनी का स्पेशलिस्ट है, यानी कि मनी को गाढ़ा करता है, जरासीम पैदा करता है, मनी को ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाता है, उसको गाढ़ा करता है। लेकिन उसके साथ साथ उसके और भी फ़ायदे हैं, नफ्स की सख्ती के लिए टाइमिंग में भी काम कर जाता है, इसके बाद अज़ाहिर हिस्सा को भी ताकत देता है, दिमाग को भी ताकत देता है, लेकिन स्पेशलिस्ट वो मनी का है। ये जो है माजूने रेगमा, ये स्पेशलिस्ट है नफ्स की सख्ती का, टाइमिंग का। इसमें बढ़ती एज के साथ या मुशजनी की वजह से या यंग एज में भी अगर आपको मसला बन गया है नफ्स की सख्ती का, और अगर आपकी शादी करीब है, तो तब भी आप ये यूज़ करें। और मैं पहले भी आप लोगों को एक वीडियो में बता चुका हूँ कि साल में एक आध दफ़ा अगर आप अफोर्ड कर सकें तो इस तरह की चीज़ जो है वो यूज़ कर लें, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपको कमज़ोरी का मसला नहीं बनेगा। तो बाकी इसकी पैकिंग वगैरह जो है वो मैं आपको वेबसाइट पे बता दूंगा, वेबसाइट विज़िट कर लीजिएगा, नीचे लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें इसकी प्राइस भी होगी, इसकी पैकिंग भी होगी, और इसके अलावा इसकी बाकी मैं जो भी तरीकाकार है खाने का वो सारा कुछ मैं बता दूँगा। बाकी एक बैच मैं जब तैयार करूँगा तो उस बैच के बाद भी मैं आप लोगों को मज़ीद इंशाल्लाह इसका तरीकाकार बता दूंगा कि खाने का क्या तरीका है। बाकी मज़ीद आपने डिटेल पढ़नी है तो वेबसाइट से पढ़ लें। अभी भी थोड़ा सा मैं आपको रफली सा बता देता हूँ, दिन में आपने ये 3 दफ़ा खानी है, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम से स्टार्ट करनी है। एक ही दफ़ा ज़्यादा नहीं खाने के चक्करों में आपने इसको ज़्यादा एकदम खा लेना। नीम गर्म दूध के साथ यूज़ करें सर्दियों में, गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ नॉर्मल आप दूध यूज़ करें जो रूम टेम्परेचर पर होता है। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? एक तो नफ्स में सख्ती पैदा करता है बेइंतहा। जो लोग बढ़ती एज के साथ नफ्स की सख्ती में कमी का शिकार हैं, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। मनी के लिए भी बेहतरीन है, मनी को गाढ़ा भी करेगा, पैदा भी करेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा, जरासीम भी पैदा करेगा। इसके बाद टाइमिंग खुश्क है बहुत ज़्यादा। इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ना सामने रेगमा ही, रेगमा ही के अलावा भी इसमें सी फूड, ड्राई सी फूड जाएगा, एंचोवीज जाएंगी, प्रॉन्स जाएंगे, माही रूबियाँ जाएगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश्क होती हैं, तो वो इसको खुश्क करती हैं। अभी मैंने रखी नहीं है यहाँ पे, जगह कम थी, तो वो चीज़ें आपको टाइमिंग में फ़ायदा देंगी। इसके बाद अगर आपको जरियान और सकाफती इसका मसला है तो कोशिश करें कि उनका इलाज पहले कर लें थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बॉडी में ताकत नहीं है, कमज़ोरी है, टांगों में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, इसके अलावा जनाब दिमागी कमज़ोरी है। अज़ाहिर हिस्सा को ताकत देता है, अज़ाहिर हिस्सा की वजह से होने वाली कोई भी बीमारियां हैं, चाहे वो सुस्त इंजाल है, नफ्स में सख्ती का मसला है, उसमें ये इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। प्राइस वाइज थोड़ा सा महंगा है लबूबे कबीर से, ये जो माजून है माजून रेगमा ही, लेकिन फादी इसमें जो चीज़ें हैं, जिस तरह रेगमा ही है, इसमें एंचोवीज हैं, इसमें जनाब प्रॉन्स हैं, इसमें ऐसी ऐसी और चीज़ें भी शामिल हैं जो लबूबे कबीर में नहीं है। लबूबे कबीर अपनी जगह पर एक चीज़ है, मैंने आपको बताया है उसके अलग फ़ायदे हैं, इसका अलग काम है, अलग चीज़ है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50+ इसमें जड़ी बूटियां जाएंगी। ये आपको जो नज़र आ रही हैं ये थोड़ी सी हैं, 50+ मतलब मेरे ख्याल में 75 के करीब तो होंगी, मैंने गिनी नहीं है, लेकिन 75 के करीब जो है जड़ी बूटियां इंशाल्लाह, और आला क्वालिटी के मुगलजात और जो भी चीज़ें होती हैं, मुहरकात और सारी चीज़ें मैंने इसमें
इसमें बड़ी इसको स्टडी करके इसको मैंने इसमें चेंजिंग की है। रेगमाई का नुस्खा ऑलरेडी है, बाज़ारों में भी बिकता है, कंपनीज का भी बना हुआ है, लेकिन मैंने ये अपने हिसाब से तरतीब दिया है इसको बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे ले जाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाल्लाह जिस तरह लबूबे कबीर के ऑर्डर्स आपने बार बार मुझसे परचेज़ किए हैं, मुझसे बार बार लोग लेते हैं, एक दफ़ा लें तो दोबारा भी लेते हैं, हर साल लेते हैं, इसी तरह इंशाल्लाह ये भी चीज़ है। तो ऑर्डर करने के लिए 03-484-21-5193 पर रबता करें, इंशाल्लाह जैसे ही ये पेमेंट्स आएंगी मैं साथ ही इसको बना के आपके दरवाजे तक पाकिस्तान के अंदर ये डिलीवर हो जाएगा आप TCS के ज़रिए या लेपर्ड्स कोरियर के ज़रिए। तो जितनी बातें मेरे जहन में थी मैंने आपको बता दी हैं, इंशाल्लाह आगे भी इसकी वीडियोस बनाता रहूँगा, साथ साथ आपको अपडेट्स देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तावुन कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।